मंगलवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे भक्तों एवं अनुयायियों को गुरु पूर्णिमा पर्व पर वेद व्यास की जयंती की बधाई देते हुए कहा कि आज भारत की प्राचीन परंपरा गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है। गुरु समाज का मार्गदर्शन करते हुए समाज को नई दिशा देता है। गुरु शिष्य की परंपरा को समय समय पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपने उदार चरित्र से नई ऊँचाइयाँ दी हैं। योगी जी ने कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि महायोगी श्री गोरखनाथ की धरती पर हमें गुरु शिष्य की इस महान परंपरा को निभाने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी को याद करते हुए कहा कि 4 वर्ष पूर्व तक हम सभी को गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता था। आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद सदैव हम सभी के साथ है। योगी जी ने कहा कि गुरुदेव द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग जैसे गौ सेवा, शिक्षा संस्थान, चिकित्सा एवं वनवासी सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से गोरक्षपीठ लोक कल्याण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण और मेरा यह है कि जब व्यक्ति नकारात्मक होकर सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है तो समाज पतन की ओर बढ़ता है, और यदि सकारात्मक होकर सबके भले के लिए सोचता है तो वो उसे सफलता ज़रूर प्राप्त होती है और समाज का भी भला होता है। योगी जी ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी को अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समाज को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो। योगी जी ने कहा कि ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता, हम ईश्वर की कृपा को किसी रूप में लेते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। योग परंपरा की व्यवस्था करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि योग भारत की ऋषि परंपरा का प्रसाद है जिसको वैश्विक पटल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहचान दिलाई। आज पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस के रूप में मना रहा है। योगी जी ने कहा कि पहले कुंभ का मतलब अराजकता और गंदगी हुआ करता था, मगर 2019 को कुंभ को यूएनओ द्वारा विश्व की अमूल्य धरोहर घोषित किया गया है जिसमें दुनिया के 127 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। योगी जी ने सभा में मौजूद सभी लोगों से संकल्प लेकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने की अपील की। होता है, लेकिन
कुछ चीजें हैं जिसको देख करके अक्सर हम लोगों को हमेशा अगर उन बातों का अनुसरण कर सके तो हमारा स्वयं का व्यक्तित्व भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन सकता है। मैं यहां पर बैठा था, मैंने अभी मैं गोरखनाथ जी के एक शब्द को पढ़ रहा था। गोरखवाणी में उन्होंने कहा और इस सभागार में भी वो अंकित है कि यह मन शक्ति यह मन शीर यह मन पंच तत्व का जीव। यानी अगर आप देखें तो हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि हमारे सारे दुखों का कारण क्या है, मन एवं मनुष्याणाम कारणबद्ध मोक्ष। हमारा यह मन हमारे दुख का, हमारे बंधन का और हमारे मोक्ष का, यानी बंधन और मोक्ष इन दोनों का कारण है। बहिर्मुखी मन हमारे बंधन का कारण बनेगा, एक चंचल मन, एक चलायमान मन, एक नकारात्मक सोच का मन, एक स्वार्थी मन हमारे बंधन का कारण बनेगा, हमारे जीवन में दुख का कारण बनेगा। लेकिन जब व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, सकारात्मक होता है, रचनात्मक होता है, तो वह उस व्यक्ति की मोक्ष का कारण भी बनता है, मुक्ति का कारण भी बनता है, यानी जीवन में सफलता का कारण भी बनता है। मैं इसी सभागार में देख रहा था, बहुत अच्छी उक्ति लिखी है कि हमारे जीवन में दुख के कारण दो शब्द हैं, इन दो शब्दों से व्यक्ति अगर उभर जाए मैं और मेरा से तो उसके पास दुख कभी आएगा ही नहीं। अगर आप देखते होंगे हम सब की ज्यादातर समस्या क्या है, हम केवल अपने लिए सोचते हैं, हम अपने बारे में केवल सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा पुत्र, और यही हमारे दुख का मुख्य कारण भी है। मुझे लगता है इनसे उभर करके अगर हम सोचना प्रारंभ करें कि मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है इस बात को लेकर के कि हम इसे लोक कल्याण का एक माध्यम बन सकें और यह नश्वर काया उसका उस कार्य के हेतु एक उसका वाहक बन सके, मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः होगा। अधूरे मन से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते, क्योंकि स्वयं उधेड़ मन में है तो सफलता मिलेगी कैसे। लोक कल्याण के इतने अधिष्ठान वर्तमान में चल रहे हैं, अगर इनके साथ हम सबका जुड़ाव हो। अक्सर शिकायतें क्या मिलती है आप देखते होंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो शिकायत कम लेकिन अपने कृतित्व के माध्यम से समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सके। शिकायत तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है कि सफाई नहीं हुई, कूड़ा नहीं उठा, जल जमा हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है, फलानी समस्या है। लेकिन कितने लोग हैं जो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ इस अभियान के साथ जुड़ जाएं कि नहीं, मेरी ही जवाबदेही है समाज के प्रति, समाज को प्रेरित कर सकें। हम गांव में हो, शहर में हो, अपने घर में हो, अपने परिवार में हो, हर एक जगह ये अपनाया जा सकता है। परिवार में कलह का कारण क्या बनता है,
जब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी हम डालते हैं, एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर, चौथा पहले के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर जब जिम्मेदारी डालना प्रारंभ करते हैं तो कार्य तो होगा नहीं, वो आपस में असंतोष का कारण, एक द्वंद का कारण जरूर बन जाता है। परिवार में स्थिति है तो समाज उससे अलग कैसे हट सकता है? नहीं, परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परिवार अगर खुशहाल है तो समाज की खुशहाली का आधार बनेगा। परिवार में खुशहाली नहीं है तो समाज की खुशहाली में एक सेंध लग रही है, हमें मान के चलना चाहिए। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने अपने क्षेत्र में करना प्रारंभ कर देगा, एक दूसरे को कोसने की बजाय, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने की बजाय, तो बहुत सारे कार्य स्वतस्फूर्त भाव के साथ होते हुए दिखाई देंगे। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या यही बन चुकी है, हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास करते हैं लेकिन स्वयं कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। और ईश्वर की कृपा से साधन भी हो गए हैं, लोग ये मान लेते हैं कि पैसा दे देंगे सारा कार्य, आप कोई आयोजन होना है तो हमें मान लेते हैं कि सारा कार्य आप फलाने 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 लोगों को दे दो, वे लोग कर लेंगे। टेंट वाला कोई आयोजन करना है, मंच बनाने वाला मंच बना सकता है, उसके साथ सच्चा करने वाला साथ सच्चा कर सकता है, उस आयोजन में आने वाले लोग भी आ सकते हैं, लेकिन आयोजन व्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाए, जबकि उस एक योग्य योजक उस अभियान के साथ जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वह कार्य सफलतापूर्वक और अंतःकरण की खुशहाली के साथ संपन्न हो सके जिसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। हमारी समस्या वहीं से शुरू हो जाती है, हमने सबको जिम्मेदारी दे दी, सबको कि फलाना काम फलाना कर लेगा, फलाना काम फलाना कर लेगा, फलाना काम फलाना कर लेगा। हमारा काम होगा हम सामने आकर के केवल एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे। ये उपस्थित दर्ज कराने से अगर समस्याओं का समाधान हो गया होता तो संभवतः बहुत बड़ी समाज से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं इनका समाधान भी वैसे ही हो गया होता। जूझना पड़ता है इसके लिए, समाज को उसके लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। जब व्यक्ति तपेगा तो वह तपस्या होगी, और जब तपस्या होगी तब कोई भागीरथ किसी गंगा को धरती पर उतार पाता है, और उस भागीरथ के रूप में हम सबको अपनी भूमिका के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा। जीवन का कोई क्षेत्र ना छोटा है ना बड़ा है, आप याद करिए, कोई भी क्षेत्र छोटा और बड़ा कार्य को हमारी सोच बना देती है। दुनिया में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने एक छोटे से क्षेत्र में ही इतनी ख्याति अर्जित की है कि वह लाखों और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायी बन गया। हम भी अपने कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करते हुए अगर सफलता की एक नई मंजिल तैयार कर सकें तो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बन पाएगा। आज हम सब के लिए एक बहुत पवित्र अवसर है जब हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान शिव की साक्षात तपस्थली है, भगवान गोरक्षनाथ के नाम पर भगवान गोरक्षनाथ जी ने अपनी कृपा से, अपनी तपस्या से इस पूरे क्षेत्र को उपकृत किया है। स्वाभाविक रूप से वह सूक्ष्म रूप से हमारी भावनाएं उस ऊर्जा को किस रूप में अंगीकृत करता है ये हम पर निर्भर करता है। सूर्य अपनी ऊर्जा धरती पर देता है,
भेदभाव तो किसी के साथ नहीं करता है, न जाति का भेद करता है, न क्षेत्र का, न मत न का, न मजहब का। जिस क्षेत्र विशेष में उनकी किरणें पड़ रही हैं, वह क्षेत्र विशेष बिना भेदभाव के उससे लाभान्वित होता है। सूर्य की उस एनर्जी का उपयोग कोई आध्यात्मिक साधना में करेगा, कोई अपने स्वयं के लिए उसका उपयोग करेगा कि मैं सूर्य की गर्मी से अपने शरीर को, अपने शरीर की विटामिन बी को और मजबूती प्रदान करने में उसका उपयोग करूंगा। कोई उसका ग्रीन एनर्जी में उपयोग कर लेता है कि सोलर लाइट के माध्यम से हम लोगों के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। कोई किसी अन्य रूप में करता है, धरती माता भी उसका उपयोग करती है। इस सृष्टि की हरियाली का कारण, इस जीव जगत का कारण भगवान सूर्य है, तो सृष्टि भी उसका उपयोग इस जीव सृष्टि की जीवंतता को बनाए रखने के लिए कर लेता है। ऐसे ही ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वरदान को हम किस रूप में अपने ऊपर ले पा रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। और इसलिए हम सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस बात का संकल्प लें कि गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा सब पर समान रूप से है। जब समान रूप से है तो एक सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से लोक कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, जो गृहस्थ हैं वे गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप लोक कल्याण का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जो नौजवान हैं वे अपनी ऊर्जा को, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को एक सकारात्मक ऊर्जा में लगा करके करें। जो विद्यार्थी हैं वे अपने जीवन में, विद्याध्ययन में उस ऊर्जा का उपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, इसमें अपनी भूमिका को लगाने का कार्य करें। जो शिक्षक है, योग्य नागरिक वे कैसे दे सकते हैं, इस दिशा में अगर वे अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। धर्म क्षेत्र में कार्य करने वाले, समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी अपनी भूमिका को लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण के अभियान के साथ जोड़ सके, तो कहीं कोई अभाव नहीं होगा, कहीं कोई दुख नहीं होगा। और भारत की धरती तो वैसे भी प्रकृति और परमात्मा की कृपा से पहले से ही इस मामले में बहुत समृद्ध भूमि रही है। हम सबको इस बारे में मानकर चलना चाहिए कि हम सबका प्रयास भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। हम सबकी अपनी अपनी भूमिका है, हम सबका अपना अपना रोल है, और उस भूमिका का निर्वहन हम सबको कैसे करना है, ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन करके अन्यों के लिए प्रेरणा और एक आदर्श प्रस्तुत कर देना, हर एक के सामने उस प्रकार का एक व्यापक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम लोग उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। कार्यक्रम में सहभागी बनकर के मुझे स्वयं ही कार्यक्रम में आने में कुछ लेट हुआ है। आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि आज आप यहां पर आए हैं, चार वर्ष पहले तक पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त होता था, आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा सदैव हम पर है। हम सब जानते हैं 2014 को गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही पूज्य महाराज जी अस्वस्थ हुए थे, आज वे भौतिक रूप से हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा हम सबका सदैव मार्गदर्शन करती रहती है।
और आज उन्हीं का परिणाम, उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि गोरक्षपीठ अपने लोक कल्याणकारी अभियान को उसी गति के साथ एक निरंतरता देकर के आगे बढ़ा रही है। हम भी जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करें जो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता हो। पूज्य महाराज जी हमेशा इस बारे में कहते थे कि संस्था स्थापना का उद्देश्य क्या है, कितने लोगों का कल्याण हो पाएगा, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगे। आश्रम और धर्मस्थलों के बारे में अक्सर इस बारे में कहते थे कि किसी भी आश्रम में आने वाले व्यक्ति के लिए बिना भेदभाव के एक पंगत में बैठ करके लोगों को प्रसाद प्राप्त हो जाए। अलग से मत करिए, कोई स्पेशल व्यवस्था मत करिए, जो आप स्वयं लेते हैं, जो स्वयं ग्रहण करते हैं, उस प्रकार के प्रसाद की व्यवस्था हर एक आगंतुक के लिए बिना भेदभाव के हो जाए। इसमें न जाति देखे, न पाति देखे, न किसी का मत देखे, न किसी का मजहब देखे, हर एक के लिए व्यवस्था लागू कर दीजिए। आपके पास अगर साधन है संस्कृत अध्ययन का, भारत की सनातन परंपरा के बारे में जानकारी लेना हो, भारत के ऋषि परंपरा के बारे में, गुरु परंपरा के बारे में जानकारी लेना हो, तो संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन, इसके लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना अगर उन धर्म स्थलों में हो सकती हो तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आपके पास साधन है तो हमें अर्वाचीन और प्राचीन शिक्षा में समन्वय बनाते हुए कुछ अच्छे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में योगदान देना चाहिए। आपके पास साधन है तो नैतिक माध्यमों से उचित साधनों का उपयोग करते हुए उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था भी धर्मार्थ संस्थाओं को करना चाहिए। सेवा के उन प्रकल्पों को आगे बढ़ाना चाहिए जो जीव मात्र की सेवा के लिए हम सबको समर्पित कर सकता हो। और आपने देखा होगा गोरक्षपीठ उस अभियान के साथ पूज्य महाराज जी के सानिध्य में जो उन्होंने प्रारंभ किए थे, चाहे वह मंदिर का अन्न क्षेत्र हो, चाहे वह मंदिर के द्वारा संचालित होने वाले गो सेवा का कार्यक्रम हो, शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित होने वाले शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का हो, चिकित्सालय और स्वास्थ्य के केंद्रों का हो, प्रवासी क्षेत्र में सेवा के कार्यक्रमों का हो, या फिर अन्य तमाम ऐसे सेवा के कार्यक्रमों के माध्यम से, धर्म केवल उपासना भी नहीं है, धर्म तो भारतीय परंपरा में हमने जीवन पद्धति माना है, धर्म को एक विराट स्वरूप भारतीय मनीषा ने दिया है। हम फूल कहां पे कर लेते हैं जब हम धर्म को केवल एक उपासना विधि मान करके ये मान लेते हैं कि धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति। ये यूरोप में ये मान्यता होगी, पश्चिम इस बात को मानता होगा कि रिलीजन का मतलब पूजा पद्धति, उपासना विधि। लेकिन भारत की परंपरा में जब धर्म की बात हम करते हैं तो धर्म हम सबको एक जीवन पद्धति, उस जीवन पद्धति के साथ जोड़ती है जो हमें हमारे कर्तव्यों का भान कराती है, जो हमें नैतिक मूल्यों के प्रति आग्रही बनाती है, जो जीवन में सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा प्रदान करती है। ये जीवन के वे शाश्वत मूल्य जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, यही तो जीवन पद्धति है, यही तो आदर्श जीवन पद्धति है। और भारत किसी आदर्श जीवन पद्धति को भारत की परंपरा ने, हमारी गुरु परंपरा ने धर्म का स्वरूप देकर के रिलीजन से अलग, पंथ और मजहब से अलग, संप्रदाय से अलग, सनातन धर्म को एक विराट स्वरूप प्रदान किया। हम सब इसके वास्तविक महत्व को समझने का प्रयास करें, हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति
बातें करनी चाहिए, हमें अपने पूर्वजों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, हमें शासन की उन लोक कल्याणकारी योजनाओं का साथ के साथ सहभागी बन करके जिन लोगों के लिए ये योजनाएं लागू की गई हैं, उन योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ करके उन पात्रों तक योजनाओं का लाभ मिल सके, इसमें एक रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। आज यही कारण है जब भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ हम अपने आप को जोड़ेंगे तो इसके परिणाम इसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। आपने देखा होगा योग कितनी प्राचीन विधा है भारत की, योग भारत के ऋषि परंपरा का प्रसाद है, लेकिन योग वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त किया तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 2014 में यूएनओ में अपने प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। पहली बार कुछ दर्जन देशों ने इसमें सहभागिता की, उससे अगले वर्ष कुछ और बढ़े, उससे अगले वर्ष कुछ और लोगों की इसमें बढ़ोतरी हुई। और इस बार आपने देखा होगा पंचम योग दिवस के आयोजन के साथ यूएनओ से जुड़े हुए 193 देशों ने इस आयोजन के साथ बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कितना बड़ा कार्य हुआ, एक आयोजन वैश्विक आयोजन बन जाए, इससे ज्यादा गौरव की अनुभूति भारत के नागरिकों के लिए दूसरी और क्या हो सकती है। एक आयोजन अपने आप में वैश्विक रूप में छा जाए, चीन जैसा देश भी जो धर्म को नहीं मानता लेकिन उसने योग की परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ करके विश्व योग दिवस में सर्वाधिक योग के आयोजनों में जिन देशों में बाहर हुए हैं उनमें चीन भी एक देश है जिसने योग के आयोजन जगह जगह किए, यानी वह भी भारत का योग की परंपरा का अनुसरण करने के लिए मजबूर हुआ। कितना बड़ा आयोजन, कितना बड़ा कार्यक्रम, कितनी भव्यता के साथ। और भारत के अंदर तो आप देख रहे होंगे हर गली में, हर मोहल्ले में, हर पार्क में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर धर्मस्थल में, हर सरकारी गैर सरकारी स्थल पर कितना व्यापक स्वरूप हो, अपनी परंपरा को वैश्विक मंच पर मान्यता दिला देना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। कुंभ के आयोजन को हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन होता लेकिन कुंभ के इस आयोजन को वैश्विक मान्यता मिल पाती थी क्या? लोग ये मानते थे कुंभ का मतलब जहां पे लोग विशिष्ट तिथियों में एकत्र हो जाएं, गंगा में स्नान कर लें या उस पवित्र नदी में स्नान कर लें जिस तट पर आयोजन हो रहा है, और उसके बाद लोग ये मान लेते थे कि कुंभ का मतलब भगदड़ है, गंदगी है, अव्यवस्था है, अराजकता है। दुनिया इसी रूप में इसको प्रस्तुत करती थी लेकिन कुंभ दुनिया में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हो यह काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भारत की प्रत्येक आस्थावान जनमानस को इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि कुंभ को भी वैश्विक मान्यता दिला करके अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दिला देना। और वैश्विक मान्यता मिली तो दुनिया के तमाम देशों के राजदूत भी कुंभ में आ पड़े। 72 देशों के राजदूतों ने कुंभ में अपने अपने देश का झंडा लगाया। 187 देशों के नागरिकों ने कुंभ में भागीदारी की, पहली बार हुआ। और भारत के अंदर भी ये रिकॉर्ड टूटे। 2013 में पूर्ण कुंभ था और तब कुंभ में श्रद्धालु आए थे 12 करोड़, और इस बार कुंभ था, इस कुंभ में आयोजन, इस आयोजन में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 24 करोड़, यानी कितनी बड़ी संख्या में।
लोग आए थे और कुंभ के अंतिम स्नान शिवरात्रि 5 मार्च को संपन्न होता है और 5 मार्च के बाद भी आप देख रहे होंगे कि 5 मार्च के बाद लगभग 20-25 दिनों तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन कुंभ के स्नान करने के लिए प्रयागराज की धरती पर आते रहे। ऐसे ही हर एक आयोजन को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसकी मान्यता को समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। आप सब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संकल्प लें कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएंगे, लोक कल्याण की दिशा में लगाएंगे, समाज सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए, भारत की उन महान परंपराओं को आगे बढ़ाने में लगाएंगे जो हम सबको लोक कल्याणकारी स्वरूप हम सबके व्यक्तित्व का समाज के सामने प्रस्तुत कर सके। अगर ये कर सकेंगे आप सबका कल्याण होगा। आज यहाँ पर यह आयोजन गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन यहाँ पे संपन्न हो रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था होगी, प्रसाद लेकर के सभी लोग यहाँ से जाएंगे और जिसको कथा और वचन सुनना है तो कालीबाड़ी के बाबा उसके बाद कथा करेंगे, जिनकी रुचि उनकी उनकी कथा में होगी वे बैठ जाएंगे, जिनकी रुचि नहीं होगी वे प्रसाद पाने के लिए चले जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन यशस्वी हो, मंगलमय हो, लोक कल्याणकारी हो, आप सबके जीवन में भाव पैदा हो, इस दृष्टि आप सब के प्रति, आपके परिवार के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखस्पीड का आशीर्वाद आप सबके साथ में है। आप सभी प्रसाद पाने की जहां जहां व्यवस्था होगी उस प्रसाद पाने के कार्यक्रम के साथ सब जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं।